हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग काफी अच्छे हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं कॉमर्स की पाठशाला में, और आई होप कि आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि होने वाला है कि ऐप क्या होता है और इसके टाइप्स क्या क्या हैं। इसके क्लासीफाई हम करेंगे कि ऐप कितने तरह के होते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये लेक्चर, तो इसको पूरा देखिएगा। पर उसके पहले मैं आपको कुछ चीजें बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे दबा दीजिए, ताकि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले मिलती रहे, ठीक है। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप चाहें तो हमारे चैनल का एक्सक्लूसिव मेंबर बन सकते हैं। उसके लिए आपको करना क्या होगा, उसके लिए आपको इस ज्वाइन वाले बटन के ऊपर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको तीन ऑप्शन दिखेंगे जहाँ पे आपको इग्नू बीकॉम में जाना है और एक छोटा सा नॉमिनल सा फी पेमेंट करना है 119 रुपीज का, जिसको पेमेंट करके आप जिस तरीके से ट्यूशन करते हैं वैसे आप हमारे पास से ट्यूशन कर पाएंगे। आपको असाइनमेंट हमारे पास से प्रोवाइड करा दी जाएंगी फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको 40% डिस्काउंट पे एक तरीके से नोट्स मिल जाएंगे और आपको व्हाट्सएप सपोर्ट मिलेगा 24/7 जब तक कि आपका कोर्स कंप्लीट नहीं हो जाता। आपको मोर अबाउट पर्क्स में जाना है और यहाँ पे जाने के बाद आप एक व्हाट्सएप लिंक के ऊपर क्लिक करके आप हमारे ग्रुप के साथ जुड़ सकते हैं, जो कि एक बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है, ठीक है। इसके अलावा मैं बताना चाहूंगा कि जब भी आप स्टडी करें तो आप हमारे प्लेलिस्ट के थ्रू करें। प्लेलिस्ट में बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं, बहुत सारे प्लेलिस्ट हैं फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर के। उसके अलावा उसमें बहुत सारी वीडियोस भी मिल जाएंगी जिनको पढ़ करके, देख करके, सुन करके आप एग्जामिनेशन के लिए अच्छे तरीके से तैयारी कर पाएंगे और आप एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स ला पाएंगे, ठीक है। तो चलिए फिर लेक्चर स्टार्ट करते हैं बिना समय बर्बाद किए, जो कि होने वाला है व्हाट इज एन ऐप एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एप्स, ठीक है। चलिए फिर देखते हैं। तो एन ऐप इज ए शॉर्ट टर्म कॉल्ड एप्लीकेशन। ऐप का मतलब होता है, छोटे पर में अगर बोले तो ये एक छोटा टर्म होता है एप्लीकेशन का। एप्लीकेशन का एक छोटा सा टर्म होता है ऐप। एप्लीकेशन को ही हम लोग ऐप बोलते हैं। इट इज बेसिकली अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर दैट कैन बी इंस्टॉल्ड एंड रन ऑन कंप्यूटर, टैबलेट, स्मार्टफोन और अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। तो ये एक किस्म का सॉफ्टवेयर होता है जो कि आपके कंप्यूटर पे, आपके टैबलेट पे, आपके स्मार्टफोन पे या फिर आपके अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पे इंस्टॉल हो जाता है और आपको किसी काम को करने में एक तरीके से हेल्प प्रोवाइड करता है। एन ऐप इज सिंपली अ पीस ऑफ सॉफ्टवेयर दैट कैन गेट यू सक्सेस सॉरी एक्सेस माफी चाहूंगा दैट कैन गेट एक्सेस टू एंड यूज थ्रू द इंटरनेट। एक ऐप जो होता है वो जस्ट एक सॉफ्टवेयर का पीस होता है जिसके जरिए आप एक्सेस कर सकते हो इंटरनेट को, जिसको इंटरनेट के जरिए आप एक्सेस कर सकते हो और आप जो भी चीजें जिस यूटिलिटी के लिए उस ऐप को बनाया गया है उस यूटिलिटी को आप परफॉर्म कर पाते हो। अ मोबाइल एप्लीकेशन आल्सो रेफर टू एज मोबाइल ऐप और सिंपली एज एन ऐप। एक मोबाइल एप्लीकेशन को आप मोबाइल ऐप बोल सकते हो या फिर ऐप बोल सकते हो। इज ए कंप्यूटर प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन डिजाइन टू रन ऑन मोबाइल डिवाइसेज सच एज फोन, टैबलेट और वॉच, है ना। तो एक मोबाइल एप्लीकेशन जो होता है वो एक मोबाइल ऐप होता है या फिर ऐप होता है जो कि कंप्यूटर प्रोग्राम की तरह होता है। जैसे कंप्यूटर पे सॉफ्टवेयर चलाए जाते हैं वैसे ही ऐप जो होता है वो सपोर्ट करता है आपके मोबाइल पे, है ना। कंप्यूटर पे होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और उसी तरीके से कंप्यूटर लैपटॉप पे होता है सॉरी टैबलेट, मोबाइल फोन, इन सब चीजों पे चलता है ऐप, ठीक है। तो आई होप कि ऐप क्या होता है आपको समझ में आ गया होगा। सो मेनी एप्स आर अवेलेबल फॉर मोबाइल डिवाइसेज एंड इवन फॉर टीवीज। टीवी के लिए भी बहुत सारे ऐप आ गए हैं। जिनके पास अभी एंड्रॉइड टीवी है उनके पास तो एंड्रॉइड के एप्स ही होंगे ना उसमें। सो डिस्कस अबाउट इट इन अ मोर एलैबोरेटिव मैनर इन कमिंग हेड्स ऑफ द यूनिट। छोड़ो यार, तो ये एप्स के बारे में यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि ऐप क्या होता है। अब बात कर लेते हैं इसके क्लासिफिकेशन के बारे में कि ऐप जो है कितने तरीके का होता है, ठीक है। सो मोबाइल एप्लीकेशंस मे बी क्लासिफाइड बाय न्यूमरस मेथड्स। मोबाइल एप्लीकेशंस को आप डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स के थ्रू क्लासिफाई कर सकते हैं। अ कॉमन मैन स्कीम टू डिस्टिंग्विश नेटिव, हाइब्रिड एंड वेब बेस्ड एप्स। तो एक कॉमन व्यक्ति जो है इसी तरीके से समझेगा कि ऐप जो है कितने तरह के हो सकते हैं, ठीक है ना। बट इसके न्यूमरस मेथड्स हैं, बट एक कॉमन व्यक्ति, एक कॉमन मैन किस तरीके से समझेगा वो ऐप्स को तीन भागों में बांटेगा। एक हो जाएगा हाइब्रिड, एक हो जाएगा नेटिव और तीसरा हो जाएगा वेब बेस्ड एप्स। अ ब्रीफ अबाउट ऑल दीज गिवन। तो यहाँ पे देखो पिक्चर्स में आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे जो विंडोज का लोगो बना हुआ है, एप्पल का लोगो बना हुआ है और एंड्रॉइड का लोगो बना हुआ है। तो यहाँ मोबाइल में जो भी चीजें चल रही हैं वो एक तरीके से नेटिव ऐप कहलाएंगी। हाइब्रिड ऐप क्या होगा, जैसे कि आप XML का इस्तेमाल करते हो, वर्ड का इस्तेमाल करते हो जो कि मोबाइल पे भी चल रहा है और वेब पे भी चल रहा है। वेब मतलब आपके कंप्यूटर पे या फिर वेबसाइट पे आप बोल सकते हो। तो ऐसा ऐप जो कि वेबसाइट पे भी चल रहा है और आपका फोन पे भी चल रहा है उसको हम बोलेंगे हाइब्रिड ऐप, और जो ऐप सिर्फ और सिर्फ वेबसाइट पे चल रहा है उसको हम बोलेंगे वेब ऐप। तो तीनों में आई होप कि आपको अंतर समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा डिटेल में इसको समझ लेते हैं। सो नेटिव एप्स आर डेवलप्ड फॉर देयर प्लेटफॉर्म, फॉर देयर पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म, टेकिंग फुल एडवांटेज
टेकिंग फुल एडवांटेज ऑफ द सॉफ्टवेयर एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम फीचर्स। तो जो नेटिव एप्स होते हैं वो एक तरीके से डेवलप किए जाते हैं एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के लिए, जैसे कि एंड्रॉइड हो गया या एप स्टोर हो गया या फिर विंडोज हो गया, जो कि एक तरीके से उस ऑपरेटिंग सिस्टम का और सॉफ्टवेयर जो होता है उसका वो फुल एडवांटेज वहां पे लेते हैं, है ना। दीज एप्स कैन डायरेक्टली एक्सेस द हार्डवेयर ऑफ द डिवाइस। अब ये जो एप्स होते हैं वो डायरेक्टली आपके फोन के हार्डवेयर को एक तरीके से एक्सेस कर सकते हैं, जैसे कि आपका जीपीएस हो गया, कैमरा हो गया, माइक्रोफोन, एटीसी। हालांकि इसकी परमिशन आपको देनी पड़ती है, बट ये सारे एप्स जो होते हैं इन सब चीजों को एक्सेस कर सकते हैं। सो दे आर फास्टर इन एग्जीक्यूशन विच अल्टीमेटली रिजल्ट इन बेटर यूजर एक्सपीरियंस। तो ये जब सारी चीजें कर पाएंगे तो ये एक तरीके से आपका जो जो यूजर एक्सपीरियंस है, एज ए यूजर जो आपका एक्सपीरियंस है वो और भी बेहतर हो पाएगा, क्योंकि आपने चूंकि इनको एक्सेस प्रोवाइड करके रखी हुई है तो ये सारी चीजों को अपने हिसाब से एक तरीके से मैनेज कर पाते हैं। जो भी आपकी डिमांड होती है उसके अकॉर्डिंग वो अपने एप्स को मैनेज कर पाते हैं। तो इन सबको हम लोग बोलेंगे नेटिव ऐप, ठीक है। All apps targeted toward a particular mobile platform are known as native apps, है ना? तो जितने भी apps होते हैं जो कि किसी particular mobile platform के लिए बनाए जाते हैं, उसको हम कहते हैं native app. Therefore, an app intended for Apple devices does not run on Android devices. तो कोई app है जिसको Apple के लिए बनाया गया है तो वो Android पे काम नहीं करेगा, कोई Android के लिए बनाया गया है तो वो Windows पे काम नहीं करेगा, आप समझ रहे हो। तो native app का मतलब हो गया कि जो जिस platform के लिए बनाया गया वो सिर्फ उसी पे काम करेगा। As a result, most businesses develop apps for multiple platforms. और इसी कारण से जो different different businesses होती हैं, वो different different platforms के लिए अपने apps को तैयार करती हैं, ठीक है? Android के लिए आप बनाएंगे तो App Store पे मिलेगा, Google Android के लिए अगर आप बनाएंगे तो वो आपको कहाँ मिलेगा? Play Store में मिलेगा, समझ रहे हो? So while developing native apps, professional incorporate best in class user interface modules. है ना, तो जब एप्स डेवलप किए जाते हैं तो प्रोफेशनल्स कोशिश करते हैं कि वहां पे जो इंटरफेस मॉडल है वो मॉड्यूल है वो बहुत ही बेस्ट इन क्लास हो, उसका क्लास बहुत ही अच्छा हो, मतलब वो बहुत अच्छे तरीके से काम करे, अच्छे तरीके से दिखे, है ना। दिस अकाउंट्स फॉर बेस्ट बेटर परफॉर्मेंस, कंसिस्टेंसी एंड गुड यूजर एक्सपीरियंस। मैं इसे ज्यादा नहीं करवा रहा, तीन चार लाइनें और हैं, आप पढ़ दो, ठीक है। ज्यादा डिटेल में कराऊंगा तो दिमाग खराब हो जाएगा आपका। सो नेटिव एप्स, ये आपका नेटिव एप्स के बारे में मैंने आपको पूरा बता दिया, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हाइब्रिड एप्स के बारे में। तो हाइब्रिड ऐप के बारे में मैंने आपको बताया कि जब कोई एप्लीकेशन मोबाइल पे और वेब पे दोनों जगह चलता है तो उसे कहते हैं हाइब्रिड ऐप, ठीक है। नेटिव मतलब जो किसी एक प्लेटफॉर्म पे ही चलेगा, हाइब्रिड मतलब जो दोनों प्लेटफॉर्म पे चलेगा, मतलब वेब पे भी और ऐप पे भी। The concept of hybrid app is a mix of native and web-based apps. जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये मिक्स होता है native और web-based apps का। Apps developed using Aptcha, Cordova, Xamarin, React Native, SnatchaTouch and other similar technology fall into this category. है ना? तो ये जो मैंने platforms बताए हैं जिसके जरिए apps बनाए जाते हैं, इन सब platforms के जरिए अगर apps बनाए जा रहे हैं तो ये एक तरीके से दोनों categories को serve करते हैं, है ना? माफी चाहूंगा, तो जो वेब बेस्ड कैटेगरीज होती हैं उनको भी सर्व करते हैं और जो नेटिव एप्स होते हैं उनको भी ये सर्व करते हैं। दीज आर मेड टू सपोर्ट वेब एंड नेटिव टेक्नोलॉजीज अक्रॉस मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स। अब इसका इस्तेमाल जो है सपोर्ट करने के लिए किया जाता है, बनाया जाता है ताकि ये जो भी ये बनाते हैं उसका इस्तेमाल जो है वेब पे और नेटिव टेक्नोलॉजी दोनों पे अक्रॉस प्लेटफॉर्म्स इसका इस्तेमाल किया जा सके। कौन कौन से बनाता है देखो मैं फिर से बोल देता हूँ, अपाचे, कॉर्डोवा, ज़ैमरीन, रिएक्ट नेटिव, SnatchaTouch, ठीक है, SnatchaTouch या SnatchaTouch कैसे पढ़ोगे देख लो। Moreover, these apps are easier and faster to develop. ये apps जो होते हैं बहुत ही आसान होते हैं बनाने और आसान और बहुत ही तेज भी काम करते हैं। It involves use of single code base which works in multiple mobile operating system. अब इनका जो work जो single code base होता है, जो base होता है वो बहुत एकदम सिंगल कोड होता है, इसलिए इसको बनाना बहुत ही आसान है और ये मल्टीपल मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम्स पे काम कर सकते हैं, ठीक है, जैसे कि एंड्रॉइड हो गया या विंडोज हो गया या ऐप आईफोन का जो आपका है आईओएस ऑपरेटिंग सिस्टम वो हो गया, ये हर एक प्लेटफॉर्म्स पे हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम पे ये काम कर पाता है। डिस्पाइट सच एडवांटेज हाइब्रिड एप्स एग्जिबिट लोअर परफॉर्मेंस। ये सारी चीजें होने के बावजूद यहाँ पे इतनी सारी इनकी एडवांटेजेस हैं, फिर भी इनका जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही लोअर रहता है, बहुत ही कम रहता है। ऑफन एप्स फेल टू बेयर द सेम लॉक एंड फील इन डिफरेंट मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। और कई बार ऐसा देखा जाता है कि ये जो एप्स होते हैं वो एक तरीके से ठीक तरीके से ना ही दिखते हैं ना ही ठीक तरीके से काम कर पाते हैं मोबाइल डिफरेंट डिफरेंट मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम्स में, राइट। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन नेटिव एंड हाइब्रिड ऐप। दोनों का मीनिंग और डिफरेंस भी एक तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं वेब बेस्ड एप्स के बारे में। ऐसे एप्स जो कि वेब के लिए बनाए जाते हैं
जो हमारा वेब पोर्टल होता है उसके हिसाब से बनाए जाते हैं। तो वेब बेस्ड एप्स किसे बोलेंगे? सो वेब बेस्ड एप्स आर अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर दैट अलाउज यूजर टू इंटरनेट विद अ रिमोट सर्वर थ्रू अ वेब ब्राउजर इंटरफेस, है ना। इंटरैक्ट इंटरैक्ट इंटरनेट बोल रहा हूँ मैं भी, वही मैं सोच रहा हूँ कि मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ। सो वेब बेस्ड एप्लीकेशन एक तरीके से इस तरह के पर्टिकुलर टाइप के सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होते हैं जो कि आपको अलाउ करते हैं कि आप इंटरैक्ट कर सको किसी रिमोट सर्वर के थ्रू अपने वेब ब्राउजर के माध्यम से। आप किसी से भी इंटरैक्ट कर सकते हो अपने वेब ब्राउजर के माध्यम से, इंटरैक्ट कर सकते हो अपने वेब ब्राउजर के माध्यम से किसी भी रिमोट सर्वर का इस्तेमाल करते हुए, किसी भी नहीं एक रिमोट सर्वर का इस्तेमाल करते हुए, ठीक है। इट वर्क्स ऑन एनी ब्राउजर वेदर इट इज अ क्रोम ओपेरा और सैमसंग इंटरनेट ब्राउजर एंड द यूजर्स आर नॉट ऑब्लाइज्ड टू डाउनलोड ऐप फ्रॉम द ऐप स्टोर, है ना। अब ये जो वेब बेस्ड एप्स जो होते हैं ये एक तरीके से इंटरनेट पे चलते हैं। अब जैसे कि गूगल क्रोम हो गया, गूगल क्रोम हो गया, ओपेरा हो गया, सैमसंग इंटरनेट ब्राउजर हो गया, या फिर आपका मोजिला फायरफॉक्स हो गया, या फिर सीरी सफारी हो गया, ये सारे के सारे जो एप्स होते हैं ना, ये सारे के सारे जो एप्स हैं इसके जरिए आप डिफरेंट डिफरेंट चीजों को आप एक तरीके से डाउनलोड कर सकते हो, मतलब चेक कर सकते हो, ब्राउज कर सकते हो। तो ये वेब बेस्ड एप्स होते हैं जो कि आपको अलाउ करते हैं कि आप डिफरेंट डिफरेंट चीजें इन एप्स पे कर सको, और इसके लिए आपको इन ऐप्स को डाउनलोड करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। डिफरेंट डिफरेंट ऐप्स को आप डायरेक्टली उनके वेबसाइट पे पहुंच करके उनके वेब को एक्सेस कर सकते हो। दीज एप्स हैव बीन इन ह्यूज इंक्रीज इन पॉपुलैरिटी इन रिसेंट ईयर्स। रिसेंट ईयर्स में इनकी जो पॉपुलैरिटी है बहुत ज्यादा बढ़ी है, रिप्लेसिंग डेस्कटॉप एप्लीकेशंस। इसके कारण से जो डेस्कटॉप एप्लीकेशंस है वो बहुत हद तक घट गए हैं एंड बिकमिंग अ क्रूशियल इंस्ट्रूमेंट फॉर ऑल स्मॉल एंड लार्ज बिजनेस अराउंड द वर्ल्ड। और ये एक तरीके से बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट बन गया है पूरी दुनिया में जितने भी लार्ज एंड स्मॉल बिजनेसेस हैं उनके लिए। अ वेब बेस्ड ऐप इज कोडेड इन HTML5, CSS और JavaScript। जो वेब बेस्ड ऐप होते हैं वो जनरली उसकी कोडिंग जो है वो HTML5 पे होती है, CSS पे होती है, या फिर तो JavaScript पे होती है। इंटरनल एक्सेस इज रिक्वायर्ड फॉर प्रॉपर बिहेवियर एंड यूजर एक्सपीरियंस ऑफ दिस ग्रुप ऑफ एप्स। अब इसके लिए जो इंटरनेट एक्सेस है उसकी आवश्यकता बहुत ज्यादा पड़ती है, बगैर इंटरनेट के आप इन सारे एप्स को एक्सेस नहीं कर सकते हो, राइट। तो इसका प्रॉपरली इसको एक्सेस करने के लिए, इसके प्रॉपर बिहेवियर को समझने के लिए, अच्छे यूजर एक्सपीरियंस के लिए आपको इंटरनेट एक्सेस की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। दीज एप्स मे कैप्चर मिनिमम मेमोरी एंड इन यूजर डिवाइसेस कंपेयर टू नेटिव एंड हाइब्रिड एप्स, है ना। तो ये जो एप्स होते हैं एक तरीके से ये कम मेमोरी आपके लेते हैं आपके फोन में या फिर आपके लैपटॉप में, जहां पे भी आप इनका इस्तेमाल करोगे ये मेमोरी जो है बहुत ज्यादा कंज्यूम नहीं करता, मेमोरी स्पेस बहुत ज्यादा ये नहीं खाता है। और विद कंपैरिजन टू नेटिव एंड हाइब्रिड ऐप, नेटिव और हाइब्रिड ऐप जो होते हैं वो एक तरीके से बहुत ज्यादा मेमोरी यूज कर लेते हैं, है ना, लेकिन वेब बेस्ड एप्स में ऐसा नहीं होता है। सिंस ऑल द पर्सनल डेटाबेस आर सेव्ड ऑन द इंटरनेट सर्वर्स, यूजर्स कैन फेच देयर डिजायर्ड डेटा फ्रॉम एनी डिवाइस थ्रू द इंटरनेट। और चूंकि सारी की सारी अपना पर्सनल डेटाबेस जो है आपका वो इंटरनेट सर्वर्स पे एक तरीके से डाल दिया गया है, इंटरनेट सर्विस पे अवेलेबल है, तो उनके लिए बहुत आसान है आपके डेटा को एक तरीके से फेच करना। आप जब चाहो अपने इंटरनेट के माध्यम से आप अपने डेटा को कभी भी फेच कर सकते हो, बुला सकते हो, देख सकते हो, राइट। तो अभी मैंने आपको बताया है कि ऐप क्या होता है और इसके टाइप्स, ठीक है ना, क्लासिफाई मैंने इसको किया है, नेटिव हाइब्रिड और वेब ऐप के बारे में मैंने आपको बता दिया है। आई होप कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा, पसंद आया है तो प्लीज लाइक कमेंट और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखें, बाय बाय, थैंक यू।